भीम नाम घेण्याला तुम्ही खाला जाओ, अरे तुमच्या बापाचा बाप होता माझा भीमराव। एक माझ्या वडिलांचा शेर आहे, आज परिस्थिती अशी आहे तरी पण आम्हाला बाबासाहेबांनी बुद्धांच्या ओटीत टाकलं आणि ते विचार आमच्यामध्ये आहे, नाहीतर आता इतर धर्मामध्ये जर आम्ही गेलो असतो तर या देशाचं चित्र विचित्र असतं, या देशाचा पाकिस्तान झाला असता आणि हा देश बेचिराग झाला असता। म्हणून त्याला बोलते हम प्रार्थना नाही चाहते। माझे वडील चंद्रकांत निरपुणे लिहितात की हम काटना नहीं चाहते मगर कटना भी नहीं चाहते, हम काटने पर आ जाए अगर हम काटना नहीं चाहते मगर कटना भी नहीं चाहते, अगर काटने पर आ जाए ये जय भीम वाले तो हमारे बाप दादाओं ने दिखा दिया है एक जाने वाले 1818 में हम कैसा काटते हैं। हम काटना नहीं चाहते मगर कटना भी नहीं चाहते, हम मारना नहीं चाहते मगर मरना भी नहीं चाहते, हम जलाना नहीं चाहते मगर जलना भी नहीं चाहते। वक्त आया तो हम काट भी सकते, वक्त आया तो हम मार भी सकते हैं, वक्त आया तो हम जला भी सकते हैं, मगर हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, हम जय भीम वाले इस भारत के पावन भूमि पर खून का दाग नहीं चाहते, खून का दाग नहीं चाहते। आणि संविधानाला जर तुम्ही गाल बोट लावत असाल तर एक गाणं माझ्या वडिलांचं आहे, हम कोणा अजमाओ, हम कोणा अजमाओ, दुनिया खिलाएंगे हम कोणा अजमाओ, दुनिया खिलाएंगे हम, अरे घटना वालों जिंदा जलाएंगे हम। आता मानवतेचं प्रमाण असलेलं संविधानच तुम्ही बदलत असाल तर आम्हाला पण जनावरच व्हावं लागेल, आम्हाला पण जनावरच व्हावं लागेल। हर लफ्ज एक एक भीम ने लिखावे जिसके बल पर ये भारत टिकावे, लफ्ज एक एक भीम ने लिखा है जिसके बल पर ये भारत टिका है, ऐलान जंग में तो पानी पिलाएंगे हम, ऐलान जंग में तो पानी पिलाएंगे हम, रे घटना बदलने वालों जिंदा जलाएंगे हम। मैं शेवट कर दो, आज आमची अवस्था है कि वो भी एक नया तराना चाहती है और हवा भी अब आबो गाना चाहती है, ये अमीर शहर आंखें बंद कर ले क्योंकि ये गरीबी अब मुस्कुराना चाहती है, ये गरीबी अब मुस्कुराना चाहती है। आणि निवडणुकीसाठी एक पूर्व सूचना म्हणून एक शेर आपल्या समोर सादर करतोय कि समंदर जब डुबोएगा तो उभार दे किनारे, समंदर जब डुबोएगा तो उभार देके मारेगा, ए मछलियों तुम्हें वो चारा देके मारेगा, समंदर जब डुबोएगा तो उभार देके मारेगा, ए मछलियों तुम्हें वो चारा देके मारेगा, और अच्छे दिन आएंगे झांसे में मत फंसना, बड़ा चालाक है दुश्मन सहारा देके मारेगा। माझे वडील लिहितात क्या जहां देखो ये बात जंगी हो गई है, क्योंकि एटीएम के बाहर लाइन लगाए हैं और भारतवासियों के अच्छे दिन आए हैं। आज जहां देखो ये बात जंगी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवानों को तंगी हो गई है, इन्हीं के चाल चलन की वजह से ये कश्मीर की जनता फिरंगी हो गई है, इन्हीं के चाल चलन की वजह से कश्मीर की जनता फिरंगी हो गई है। हमने सोचा था नए पंथ प्रधान अच्छे दिन लाएंगे मगर क्या करें, चाय वाले के जमाने में सस्ती चाय भी महंगी हो गई।
आणि या गीताचा शेवट चंद्रकांत ये भीमती कदम है संविधान जर एका शेंडीवाल्याने लिहिलं असतं एंटेनावाल्याने लिहिलं असतं तर आज संविधानाच्या प्रतीचे ची पूजा झाली असती मंदिरात ठेवलं असतं संविधान एक पवित्र ग्रंथ म्हणून फक्त बाबासाहेबांनी लिहिलं म्हणून एक कवी लिहितात आम्हाला आढळ लिहितात ते ज्ञान का डिंडोरा पीटने वाली कहा गए बड़प्पन का पिटारा लूटने वाली कहा गए लिखा देश का संविधान मेरे भीम ने स्कूल के बाहर बैठकर बताओ स्कूल के अंदर बैठने वाले कहा गए चंद्रकांत ये भीमती कदम है और पता है तुमको इसकी जलन है चंद्रकांत ये भीमती कदम है अरे पता है तुमको इसकी जलन है प्यारे वो भीम के खातिर लघु बहाएंगे हम प्यारे वो भीम के खातिर लघु बहाएंगे हम घटना बदलने वालों जिंदा जलाएंगे हम घटना बदलने वालों जिंदा जलाएंगे हम घटना बदलने वालों